तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है कि चारों तरफ सोशल मीडिया पे सिर्फ S23 FE या फिर A55 5G स्मार्टफोन की लड़ाई चल रही है कि कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए 2024 के अंदर। और जैसा कि सबको पता है कि ये एक एक डेढ़ डेढ़ साल स्मार्टफोन पुराने हैं। A55 तो हालांकि नया है, लेकिन S23 की यहाँ पर बात कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक ऐसा स्मार्टफोन और है जो कि बहुत ही ज्यादा तगड़ा है एज कम्पेयर टू S23 या फिर S23 FE की। खैर S23 FE की तो इनकी रेस में नहीं है, लेकिन S23 के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो वो एक जबरदस्त स्मार्टफोन है। क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आया दोस्तों, वो जो स्मार्टफोन है उसके अंदर आपको बैटरी भी काफी अच्छी मिल रही है, परफॉर्मेंस जबरदस्त मिल रही है, बड़ी स्क्रीन मिलती है, फिर भी पता नहीं क्यों नहीं उस स्मार्टफोन के बारे में कुछ भी जिक्र किया जा रहा है। और दोस्तों उससे भी बड़ी बात यह है कि ये स्मार्टफोन आपको अवेलेबल ही नहीं है, ये आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है हर जगह से, पता नहीं क्यों। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, ये जो स्मार्टफोन है वो S23 से भी ज्यादा बेटर स्मार्टफोन है मेरी नजर में। क्योंकि S23 को लिटरली मुझे परचेस करे आज कुछ 4 से 5 महीने हो चुके हैं, लेकिन स्टिल मैं आज स्मार्टफोन को परफेक्ट कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन मानता हूं। लेकिन इसके रिजल्ट और परफॉर्मेंस के बाद कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं S23 प्लस ले लेता। जी हां, मैं बात कर रहा हूं Samsung Galaxy S23 प्लस की। लेकिन दोस्तों प्राइस ज्यादा होने के कारण मेरा दिमाग कभी भी उस पे नहीं लगा, लेकिन आज के टाइम पे उसकी प्राइस देखी जाए तो 95,000 के करीब आपको उसका 256 GB वाला वेरिएंट मिलता है, लेकिन लास्ट मैंने उसको 75,000 के करीब देखा है। और यहां पर मैं बताने वाला हूं कि आज की डेट में अगर आपको उसको परचेस करना है तो कहां से कितनी प्राइस में आप उसको परचेस कर सकते हैं, और साथ ही में डिस्कस करने वाले हैं इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में। उससे पहले दोस्तों मेरा नाम है राहुल, आप देख रहे हैं टेक्टोनिक्स यूट्यूब चैनल, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस है आपको तकरीबन सेम ही देखने को मिलेगी, ज्यादा कुछ खास फर्क देखने को नहीं मिलेगा। जो भी फर्क है मैं आपको बताने वाला हूं, ज्यादा डेप्थ में जाएंगे नहीं, क्योंकि दोनों ही स्मार्टफोन की जो स्पेसिफिकेशंस है बहुत ही ज्यादा करीब करीब एक जैसी है। उसके अलावा बात कर लेते हैं यहां पर जो मेजर डिफरेंसेस है वो ये है कि S23 और S23 प्लस की जो डिस्प्ले साइज है दोस्तों वो काफी ज्यादा फर्क है। क्योंकि S23 के अंदर आपको मिलता है 6.1 इंच का डिस्प्ले, वहीं पर S23 प्लस के अंदर आपको मिलता है 6.7 इंच का डिस्प्ले। दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर आपको डायनेमिक एमोलेड मिलता है 2x वाला, साथ में HDR10 और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलता है। सारे कंटेंट्स को यानी कि YouTube, Netflix, Amazon जैसे कंटेंट्स को आप इजीली आप फुल HD में यहां पर देख पाएंगे, तो कंटेंट वॉचिंग में भी आपको काफी जबरदस्त एक्सपीरियंस रहने वाला है। साथ ही में दोस्तों यहां पर आपको दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर फ्रंट में और बैक में गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 का प्रोटेक्शन मिलता है, तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वाइज भी ये स्मार्टफोन काफी ज्यादा परफेक्ट है। लेकिन मेरा ये रिकमेंडेशन है कि आपको यहां पे फ्रंट में एक स्क्रीन गार्ड और बैक में एक केस लगा लेना चाहिए। साथ ही में दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी ऑप्शन मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर दोस्तों आपको HDR 10 प्लस का सपोर्ट मिलता है, तो कंटेंट वॉचिंग काफी अच्छी रहेगी। उसके अलावा इन स्मार्टफोन्स के अंदर हम बात कर लेते हैं इसकी पीक ब्राइटनेस की दोस्तों, तो दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर पीक ब्राइटनेस आपको 1750 निट्स की देखने को मिल जाती है, जो कि मेरे हिसाब से काफी सफिशिएंट होती है एक स्मार्टफोन के लिए। और अगर आप दिन में भी लेके जाते हैं तो भी आपको कोई यहां पर प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। प्रोसेसर एंड परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों, दोनों स्मार्टफोन्स में आपको Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 प्रोसेसर मिलता है जो कि 5G सपोर्टेबल है, और दोनों स्मार्टफोन के अंदर आप इजीली ड्यूल सिम यूज कर सकते हैं, साथ में ई सिम का फीचर भी मिलता है। और भी सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है कि दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर आपको IP68 की रेटिंग मिलती है, जहां पर ये स्मार्टफोन वाटर एंड डस्ट असिस्टेंट बन जाते हैं। साथ ही में दोस्तों अगर आप गेमर भी है तो यहां पर आपको Adreno 740 मिल जाता है, जहां पर आपका गेमिंग एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा रहने वाला है। रैम एंड स्टोरेज की बात करें दोस्तों, तो S23 के अंदर आपको 8GB प्लस 128GB से एक बेसिक वेरिएंट स्टार्ट होते दिखाई देता है, और 256GB वाला वेरिएंट भी आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं S23 प्लस के अंदर दोस्तों आपको 8GB से लेकर 256GB वाला वेरिएंट भी देखने को मिलता है, लेकिन यहां पर आपको UFS स्टोरेज टाइप यहां पर डिफरेंस मिलती है। अगर आप S23 के अंदर जाते हैं तो 256GB वाले वेरिएंट के अंदर आपको UFS 4.0 मिलता है, वही सेम चीज अप्लाई होती है S23 प्लस के अंदर। तो वहां पर आपको जो स्टार्टिंग स्टोरेज टाइप है वो UFS 4.0 ही देखने को मिलता है, जहां पर आपका गेमिंग एक्सपीरियंस, स्पीड राइट वगैरह काफी जबरदस्त रहती है। और यहां पर नाइट फोटोग्राफी ले लो या आपके कोई भी हैवी टास्क वाले काम होंगे वो भी काफी इजीली एंड स्मूथ वे में यहां पर काम करते हैं। अब अगर परफॉर्मेंस की बात हो रही है दोस्तों, तो यहां पर गेमिंग एक्सपीरियंस कैसा रहेगा दोस्तों, तो पहले ही मैं आपको यहां पे क्लियर करना चाहता हूं दोस्तों कि ये S23 जो है वो एक कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन है, लेकिन S23 प्लस जो स्मार्टफोन है वो 6.6 इंच डिस्प्ले के साथ में आता है दोस्तों, तो वहां पर जो आपका गेमिंग एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा बेटर रहने वाला है। क्योंकि डिस्प्ले आपको बड़ी मिलने वाली है, बैटरी भी आपको यहां पर ज्यादा मिलती है, क्योंकि S23 के अंदर आपको 3900mAh की बैटरी मिलती है, वहीं पर S23 प्लस के अंदर आपको 4700mAh की बैटरी मिलती है। S23 के अंदर आपको 25W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, वहीं पर S23 प्लस के अंदर आपको दोस्तों 45W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। तो यहां पर अगर हम दोनों स्मार्टफोन्स की बैटरी लाइफ एंड ड्रेनेज की बात करें दोस्तों, तो दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर आपको कहीं पर भी लैग देखने को नहीं मिलता है। परफॉर्मेंस वाइज और हीटिंग वाइज की बात करें दोस्तों, तो कॉम्पैक्ट फोन है तो यहां पर आपको थोड़ी हीटिंग देखने को मिल सकती है S23 के अंदर, लेकिन S23 प्लस के अंदर आपको कम से कम हीटिंग देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू S23 के। वो स्मार्टफोन बड़ा है तो वहां पर आपको हीटिंग कम देखने को मिलेगी, ये स्मार्टफोन छोटा है तो यहां पर आपको हीटिंग थोड़ी ज्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन एज कम्पेयर टू प्रीवियस सीरीज S21 और S22 उनसे ज्यादा बेटर स्मार्टफोन है ये, और इसमें हीटिंग उनके कंपेरिजन में काफी कम होती है। अब आप सोच सकते हैं कि S23 प्लस में इससे भी ज्यादा कम होती है, क्योंकि
वो एक बड़ा बिग स्मार्टफोन है। तो हीटिंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखा जाए तो स्मार्टफोन S23 प्लस काफी अच्छा है, साथ में बैटरी अच्छी मिल रही है, तो ऑब्वियसली बात है हमको यहाँ पे ज्यादा स्क्रीन ऑन टाइम भी मिल सकता है। अगर इसके अंदर हमको 5.5-6 घंटे का बैकअप मिलता है तो उसके अंदर आपको 6.5-7.5 घंटे का भी बैकअप मिल सकता है, डिपेंड ऑन योर यूसेज कि आप हैवी टास्क कर रहे हैं या रेगुलर डे टू डे लाइफ में जो हम यूसेज लेते हैं उस हिसाब से आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन है तो लाइट फील होता है, और S23 प्लस अगर आप लेते हैं तो वो भी एक लाइट वेट स्मार्टफोन है तो कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा फोन होने के साथ साथ आपका जो बैटरी डिस्ट्रीब्यूशन है दोनों स्मार्टफोन में काफी अच्छा रखा गया। अब आप देख सकते हैं मेरा काफी बड़ा हाथ है तो भी मैं इस स्मार्टफोन को इजिली यहाँ पर कैरी कर पा रहा हूँ और ये मेरा प्राइमरी डिवाइस है। वहीं आप S23 प्लस भी लेते हैं, छोटा हाथ है तो मे बी आपको वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन बड़े हाथ हैं तो इजीली आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं। और अगर आप नोट सीरीज यूज करते थे ऑलरेडी या बड़े फोन्स ऑलरेडी यूज करते हैं तो S23 प्लस आप लोग के लिए एक परफेक्ट स्मार्टफोन हो सकता है। बाकी कैमरा वाइज बात की जाए दोस्तों तो दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर आपको सेम कैमरा देखने को मिलेंगे। 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देखने को मिल जाएगा, 12 मेगापिक्सल का एक लेंस देखने को मिल जाएगा अल्ट्रा वाइड, और 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिल जाएगा जहां पर आप 30x तक जूम इजिली कर पाएंगे। वहीं फ्रंट कैमरे में आपको 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाएगा। बैक कैमरे से दोनों स्मार्टफोन्स के आप 8K तक की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और फ्रंट से भी आप 4K तक की रिकॉर्डिंग इजीली कर पाएंगे। बाकी दोनों स्मार्टफोन्स के दोस्तों आपको ड्यूल स्पीकर का सपोर्ट मिलता है तो स्टीरियो साउंड आता है, काफी लाउड है एज कम्पेयर टू S23 के। S23 प्लस के अंदर थोड़ी लाउडनेस ज्यादा मिलती है और डिस्प्ले का जो क्लैरिटी वगैरह भी है काफी अच्छी मिलेगी क्योंकि डिस्प्ले बड़ी है और साउंड भी थोड़ा ज्यादा मिलेगा। बाकी सेम फीचर्स है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की बात किया दोस्तों तो 4G मिलेगा, 5G मिलेगा, ब्लूटूथ 5.3 मिलेगा। साथ ही में दोस्तों यहाँ पर आपको USB Type-C 3.2 का यहाँ पर आपको पोर्ट मिल जाएगा, उसी के साथ में यहाँ पर आप OTG भी सपोर्ट ले पाएंगे। सेंसर से सिक्योरिटी की बात करें दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको अल्ट्रासोनिक अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, फेस अनलॉकिंग ऑप्शन और पैटर्न लॉक का फीचर भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और इन सबसे ऊंची चीज निकल के आती है वो दोस्तों वो है सैमसंग डेक्स का ऑप्शन। सैमसंग डेक्स आपको दोस्तों तीनों ही मॉडल्स के अंदर सपोर्ट में दिख जाएंगे तो यहाँ पर इजिली आप अपने फोन को एज अ कंप्यूटर लैपटॉप की तरह भी यूज कर पाएंगे। लास्ट बात कर लेते चार्जिंग की दोस्तों, दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर आपको सेम 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा और 4.5 वॉट की रिवर्स चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोनों स्मार्टफोन के अंदर तकरीबन सारी फीचर्स आपको एक जैसे ही देखने को मिलेंगे। बस फर्क कहां पे आता है, फर्क आता है डिस्प्ले साइज का और बैटरी बैकअप का। तो अगर आप एक हैवी गेमर हैं तो और आपको एक अच्छा फोन चाहिए, पावरफुल स्मार्टफोन चाहिए तो S23 प्लस आप लोग के लिए काफी ज्यादा बेटर स्मार्टफोन हो सकता है। चलिए ये थी सारी चीजें S23 और S23 प्लस के बारे में। बात कर लेते हैं ये S23 प्लस आपको कहां मिलेगा। S23 तो आपको सेल में 50,000 के करीब मिल जाएगा या ऑफलाइन में भी आपको 50,000 के करीब देखने को मिल जाएगा, लेकिन S23 प्लस आपको जल्दी से नहीं मिल पाएगा दोस्तों। तो हाल फिलहाल जो मैंने अभी चेक किया दोस्तों इंटरनेट पे तो मुझे सैमसंग की वेबसाइट पे ये स्मार्टफोन देखने को मिला जहां पर 256 GB वाला वेरिएंट जो है वो 94,000 के करीब देखने को मिल रहा है। वहीं पर बात कर लेते हैं मैंने दूसरी वेबसाइट की तो क्रोमा की वेबसाइट पे जाकर देखा मैंने तो वहां पर ये स्मार्टफोन अभी 75,000-76,000 की रेंज में अवेलेबल है। अब वो कब तक अवेलेबल है उसकी कोई गारंटी नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये एक अंडररेटेड स्मार्टफोन है S23 प्लस जो कि एक्चुअली में काफी वर्थ रखता है और आज के टाइम के हिसाब से भी ये किलर स्मार्टफोन है। लास्ट में दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम की बात भी कर लेता हूं तो यहां पर आपको दोनों स्मार्टफोन के अंदर एंड्रॉइड 14 मिलता है तो ये लेटेस्ट वर्जन है। साथ ही में दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको 4 ईयर्स के अपग्रेड्स मिलेंगे और 5 ईयर्स के यहाँ पे सिक्योरिटी अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। सो गाइस ओवरऑल ये सारी कहानी थी S23 और S23 प्लस स्मार्टफोन के बारे में। आपको इन स्मार्टफोन का कंपैरिजन कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आप में से कोई S23 या S23 प्लस ऑलरेडी यूज कर रहा है तो अपने एक्सपीरियंस को जरूर शेयर करें कमेंट्स बॉक्स में। उसी के साथ ही दोस्तों वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो या अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। बाकी ट्राई ये करिएगा कि ऑफलाइन मार्केट में भी अगर आपको ये वेरिएंट मिल जाता है तो काफी अच्छी बात है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गाइस थैंक यू फ्रॉम टेक्ट्रॉनिक्स, टेक केयर, जय हिंद।